नमस्कार दोस्तों, तो सीबीडी के इस थर्ड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीबीडी के इस पार्ट में हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है। देखिए, कोई भी इंसान होता है तो उसमें डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है, तो वो समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। देखिए, सीबीडी का जो कोर्स पेड कोर्स होता है ना, वो भी यही वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सिर्फ वहाँ पर आपको पैसा देना, ये फ्री में मैं आपको वही इस वीडियो मैं खुद बना के आपको जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सेशन जो है वो आपको बोरिंग लग सकते हैं, आगे आगे जैसे जैसे ये कोर्स बढ़ेगा आपको इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत सीखने को मिलेगा, पर कुछ सेशन बोर लग सकते हैं। पर ये जो सेशन होते हैं ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिप्रेशन अगर आप गुजर रहे हैं तो डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है, क्या क्या कोई एक हिस्ट्री हम देखेंगे, एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, वो भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है, इसके मल्टी फैक्टोरियल रीजन्स हो सकते हैं। मल्टी फैक्टोरियल यानी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर किसी के माँ बाप को, अगर माँ बाप के माँ बाप को या फैमिली में किसी को भी डिप्रेशन रहा हो, तो वो बच्चों में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है, पर ऐसा नहीं कि माँ बाप को डिप्रेशन है तो बच्चों में आएगा ही, संभावना होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आएगा ही। तो ये देखा गया है रिसर्च में, ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन आते हैं तो उसमें जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, अब साइंस बहुत बढ़ गई है, न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो साइंस पे बहुत काम हो रहा है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, डोपामिन है, सेराटोनिन है, तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये केमिकल जो है वो ब्रेन में ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो डिप्रेशन के लक्षण आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी जो रिसर्च हो रही है उसमें ये भी देखा गया है कि जब किसी इंसान को डिप्रेशन आता है तो ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर देता है मतलब काम करता है पर उसकी इफ़िशेंसी कम हो जाती है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी अभी जो है वो डेवलप की गई है कि वो पेशेंट को जो है वो जो उसकी जो ब्रेन का जो हिस्सा इनएक्टिव हो गया था उसको फिर से एक्टिव करने वाली भी मेडिसिन अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है, एक कहानी देखेंगे एक्चुअल में डिप्रेशन का, जो उसका पास्ट का चीज़ थे कि डिप्रेशन उसमें क्यों आया, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एक इंसान था, हम एक नाम ले उसको रख लेते हैं, सचिन नाम का एक व्यक्ति था। अब 30-31 साल की उसकी उम्र थी, मैरिड था, एक छोटा बच्चा भी था, IT प्रोफेशन में जॉब करता था। ठीक है, अब अच्छा सब कुछ चल रहा था, पर 7-8 महीने पहले उसके साथ क्या होता है कि उसको थोड़ा ना काम करने में मन नहीं लगता, उसको काम करने में थोड़ा मन नहीं लगता, उसकी थोड़ी सी जो है वो उदास हो जाता है, यानी काम करते करते उसका थोड़ा मन नहीं लगता, थोड़ा सा उदासी उसमें छा जाती है। अब क्यों हो रही है उसको पता नहीं है। ठीक है, पर उसका मन नहीं लग रहा है काम करने में। अब IT प्रोफेशन होने की वजह से काम तो करना पड़ेगा भाई, क्लाइंट को संभालना, ये उनसे फ़ोन पर बात करना, उस पर भी उसको जो है वो दिक्कत आ रही थी। वो क्लाइंट के साथ जब भी बात करता तो उसको लगता था यार कि ये उसका फ़ोन कट कर दे, पर कर नहीं पाता था, पर बहुत उसको दिक्कत जा रही थी काम करने के लिए। तो उसकी जो काम करने की जो इफ़िशेंसी है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही थी, और उसकी वजह से भी वो फिर उदास रहने लगता था। अब रात को इसकी वजह से उसको क्या था, थोड़ा जो है वो नींद का भी समस्या होने लगी थी, नींद अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी। अब नींद न आने की वजह से अगले दिन फिर से काम पे जो है वो उसका इम्पैक्ट गिर रहा था, काम और उसका बिगड़ रहा था, ऐसे कुछ दिन तक चलता है। अब वो सोचता है कि यार उसकी वजह से उसको थकावट भी महसूस हो रही थी, जो अपने कलीग्स थे, ऑफिस के कुछ मेंबर्स थे, उनसे भी उसको बात करने का कोई मन नहीं कर रहा था। तो फिर उसने अपनी बीबी को बताया कि यार मुझे ना ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, मुझे ना काम में करने में के लिए भी मन नहीं लग रहा है, हर वक्त ऐसा सैड उदास सा लगता है, क्लाइंट से भी बात करता हूँ तो ऐसा उनसे भी बात करने का मन नहीं, यानी काम में पूरा मन ही नहीं है, पूरा काम मेरा मन ही निकल चुका है। तो उसके वाइफ ने उसको बोला कि भाई एक काम करो, अपने जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको दिखाओ। तो फैमिली डॉक्टर ने दिखाया, फैमिली डॉक्टर को दिखाया, तो फैमिली डॉक्टर ने बोला कि भाई ब्लड की टेस्ट करते हैं। तो ब्लड की टेस्ट किया तो उसको उसमें दिखाई दिया कि विटामिन D की कमी है और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम करो, विटामिन D की गोलियां चालू कर दी और बोला कि भाई कोलेस्ट्रॉल तो बहुत कम है, गोली लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा एक्सरसाइज करो, आप ठीक हो जाओगे। तो उसने फिर विटामिन D की भी गोली ली, एक्सरसाइज भी करना थोड़ा स्टार्ट किया, पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे, जो पहले सिम्टम्स थे वैसे कि वैसे ही सिम्टम्स थे। अब वो सोचने लगा, फिर से वो ऑफिस जाने लगा, पर वही फिर सिम्टम जो है वही उसको जो है वो सिम्टम्स बार बार यानी महसूस हो रहे थे।
तो एक दिन मैनेजर को ये सारा कुछ दिखा, मैनेजर के साथ उसके अच्छे रिलेशन भी थे, तो मैनेजर ने पूछा कि अगर कोई दिक्कत है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैनेजर ने कहा कि देखो तुम्हारा जो इफ़िशेंसी है काम करने की वो भी बहुत कम हो चुकी है। अब उसने कहा कि नहीं नहीं सर मैं करता हूँ एडजस्ट। तो फिर से उसने जो है वो प्रयास किया कि फिर से काम करने के लिए अच्छा उसको उसमें यानी करेंगे भाई ऐसा सोच के, पर वो फिर से यानी पूरा डिप्रेस हो गया, नहीं कर पा रहा था, वो कुछ भी करके काम नहीं कर पा रहा था, जो पहले वो फोकस से कॉन्सेंट्रेशन से काम करने की कोशिश करता था अब ऐसा हो नहीं रहा था। तो फिर उसने बीबी के साथ डिस्कस किया कि यार ये जो प्रोजेक्ट मुझे अभी है शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा कि मुझे ज़्यादा टेंशन आ रहा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो फिर मैनेजर से मिला और मैनेजर से बोला कि भाई एक काम करो मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दो, मुझे ना ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम्स थोड़े नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ गया है, तो आप मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दो और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दो। तब मैनेजर के अच्छे रिलेशन थे, तो मैनेजर ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उसको जो है वो उस प्रोजेक्ट से निकाला गया और दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। पर दूसरे प्रोजेक्ट में डालने के बाद भी उसके सिम्टम्स वैसे की वैसे ही थे और सिम्टम्स बढ़ गए। अब उसको लगा कि यार लोग जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मैनेजर मुझे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि भाई एक प्रोजेक्ट इससे अच्छी तरीके से संभल नहीं पाया, ये प्रोजेक्ट यानी मुझे लोग फेल्यूर बोलते होंगे, मेरे पीठ पीछे हंसते होंगे। अब ये भी ख्याल उसके मन में आने लगे। अब इसकी वजह से ये जो चीज़ें थी वो चीज़ें अब घर पर भी आना शुरू हो गई। अब चिड़चिड़ापन जो था वो उसका बढ़ गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन घर पे भी करने लगा, बीबी के साथ छोटी छोटी बातों से फिर झगड़ा होने लगा, बच्चे के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करता था। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे 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 बढ़ गई। अब देखिए ऐसा ऑफिस में होने की वजह से मैनेजर भी उसको बहुत बोलता था, यानी रिलेशन थे पर उसको बोलता था कि यार अपने काम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो और उसके बाद आ गया कोविड। अब कोविड आने के बाद मैनेजर ने कहा कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाला गया, तो उसको भी निकाला गया कि भाई तुम्हारा वैसे ही परफॉर्मेंस बहुत कम है, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना है, तो उसको निकाल दिया। अब वो पूरे के पूरे 7 दिन अब घर पे ही है। बीबी भी उसकी जो है वो यानी जॉब करती थी, अब उसका भी काम वर्क फ्रॉम होम हो गया, घर को संभालना, जॉब करना, बच्चे को संभालना और इसके साथ इसको भी संभालना, क्योंकि ये पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया था, छोटी छोटी बातों पर ये बीबी से बहुत झगड़ा करता था। इसकी वजह से बीबी ने कुछ दिन तो उसको जो है वो सहन किया पर उसकी लिमिट के बाहर चला गया, तो उसने कहा कि उसने बेटे को लिया और अपने मायके चली गई। अब ये घर पे था अकेला, तो और ज़्यादा सिम्टम जो है वो इसके बढ़ने लगे। अब वो तो शेव भी नहीं करता था, यानी शेव भी इसकी दाढ़ी भी बढ़ गई, उसको नहाने का भी मन नहीं करता था, यानी वो पूरा का पूरा निगेटिव थाट बहुत ज़्यादा आने लगे, सुसाइडल थाट आने लगे। अब ये सारी चीज़ें जो है उसमें डेवलप होने लगी। अब घर पे अकेला ही रहता था, तो एक दिन उसका दोस्त आया और दोस्त ने बोला यार तेरी ये क्या हालत बना ली है तूने। देखिए 7-8 महीने जो सिम्टम्स चालू हुए तो वो सिम्टम्स बहुत कम थे, तो वहाँ से उसकी जर्नी हुई यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी भी बढ़ गई, उसने नहाना छोड़ दिया, सब कुछ यानी इतना कंडीशन की उसकी। देखिए बीबी भी मायके चली गई क्योंकि वो उतना परेशान करता था, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसने दोस्त ने फिर सजेशन दिया कि चलो हम किसी साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, तो फिर वो दोस्त उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके चला गया। तो उसने कुछ मेडिसिन स्टार्ट की, मेडिसिन के साथ साइकोथेरेपी स्टार्ट की, पूरी उसकी जो चीज़ें हैं वो जानने की, उसकी केस स्टडी जानने की कोशिश की। और उसके बाद डॉक्टर ने उसकी ये क्यों हुआ, देखिए ये सारी चीज़ें तो उसके साथ हुई पर ये सचिन के साथ हुआ क्यों, तो उसका पास्ट जानने की कोशिश की कि उसके साथ ऐसा पास्ट में क्या हुआ कि जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन के सिम्टम जो है वो आने लगे और डिप्रेशन में वो जो है वो चला गया। तो वही पास्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि उसका ऐसा क्या पास्ट था कि जिसकी वजह से उसको ये डिप्रेशन के सिम्टम्स आए। देखिए इस वीडियो में हमने यही जानने की कोशिश की कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है वो किस तरह आते हैं और किस प्रकार से बढ़ते हैं और ज़िंदगी में किस प्रकार से असर डालते हैं और आपकी ज़िंदगी किस प्रकार से पूरी तरीके से तबाह करती है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, स्टार्टिंग में ही नज़र आते हैं, तो नियरेस्ट जो साइकेट्रिस्ट होता है उसको जल्द से जल्द दिखाना चाहिए, कम से कम ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। जो साइकोथेरेपी है वो अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वो भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपको वही साइकोथेरेपी जो CBT में आपको बता रहा हूँ। देखिए आम इंसान भी इस वीडियो को ज़रूर देखे पूरा ये कोर्स, पैसे से तो कोई परचेस इंसान अगर डिप्रेशन में नहीं है तो पैसे से तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, पर ये उसको भी फ़ायदा ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं भी है तो फ्यूचर में इनकेस अगर उसके साथ कुछ होता है ऐसा
तो वो अगर ये सीबीडी का रेगुलरली देखते हैं पूरे वीडियोस और कोर्स को अच्छी तरीके से समझ लेता है तो वो उसका फ़ायदा अपने जीवन में भी उठा सकता है कि फ्यूचर में अगर उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसको अच्छी तरीके से वो बाहर निकलने में उसको बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सचिन के साथ ऐसा पास्ट में क्या हुआ था जिसकी वजह से उसको ये डिप्रेशन के सिम्टम जो है वो स्टार्ट हुए थे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।